नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा जिंदगी, और मैं हूँ रिजु। आज मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट सोचा है। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना इंट्रोडक्शन मलयालम में दूँ, मतलब मलयालम में भी दूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आई एम ओ मलयाली, और दिल्ली में मलयालीज को मल्लू कहा जाता है। फनी है ना, बट बोला जाता है मल्लू। तो चलिए मैं भी बोल देती हूँ, यस आई एम अ मल्लू। तो मलयालम में भी मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मलयाली व्यूअर तो होगा जो मुझे देख रहा होगा और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं मलयालम में ही, मतलब मलयालम में कुछ तो कहूँ। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। अने पेर आण रिजु, एलावरुडे स्वागतमान अने चैनल तिल। എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് എന്തു പറയാ മലയാളത്തിൽ, സുഖമായ ജീവനം, ഖുഷ്നുമാ സിന്ദഗി. തോ ഓർ ബതായേ ദോസ്തോ, കേസേ ഹേ ആപ് സബ്, കേസാ രഹാ ആജ് കാ ദിൻ? ആജ് ഭി ദിൻ മേ കാഫി ഗർമി തി ഓർ മൗസം ബഹുത് ഖരാബ് താ. ശാം മേ ഭി ഹൽക്കി ഹവ ചൽ റഹി തി, മത്ലബ് ബഹുത് അച്ഛാ മൗസം നഹി താ, ബട്ട് മത്ലബ് ഠീക് താ. ജസേ കഭി കഭി തോ ശാം മേ കാഫി അച്ഛാ മൗസം ഹോ ജാതാ ഹൈ. कल काफ़ी अच्छा था, बट आज कंपेयर किया जाए तो उतना अच्छा नहीं था। बाकी बस एज यूजुअल लाइफ चल रही है। मेरा तो बिजी डे था, बहुत काम किया मैंने आज। फ्रिज क्लीन किया अपना, काफ़ी गंदा हो गया था, और काफ़ी सारी बेडशीट्स धोई, तो बस निकल गया दिन। मतलब रेगुलर काम तो होते ही हैं घर के, जो हम डेली करते हैं, साफ़ सफाई, खाना बनाना, लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा काम साथ में जुड़ जाता है तो दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ कब कैसे निकल गया। तो बस और मैं काफ़ी थका हुआ भी मतलब महसूस कर रही थी अपने आप को, लेकिन एक मतलब होता है ना, जब सब काम ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रात मुझे अपनी सी लगती है, अच्छी लगती है मुझे रात। तो बस ये था कि बस अब सब काम ख़त्म है, सोना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया मुझे तो आप लोगों से बातें करनी है, और आप लोगों से बातें किए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मुझे अब रियली मुझे अच्छा लगने लगा है, मैं इंजॉय करने लगी हूँ आप लोगों से बातें करना ना। और आपको लग रहा होगा, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख रहे हैं, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं मतलब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हो गई हूँ, बट आप मुझे बताएं प्लीज़, मुझे कमेंट करें, तभी तो मुझे पता चलेगा। अभी तक तो खैर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, बट मुझे उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे मुझे सब्सक्राइब, और मुझे पसंद भी करेंगे। तो अब मुझे ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाने हैं, छोटा ही वीडियो रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मेरी डॉटर ने बोला कि इतने लंबे वीडियो मत बनाओ। तो चलिए अब सॉन्ग की बारी। मैं आज अपनी पसंद का ही सॉन्ग सुनाती हूँ आपको, क्योंकि आपकी तरफ से कोई फरमाइश अभी तक नहीं आई है। तो चलिए सुनिए आज का सॉन्ग। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। होती है चांदनी रात, देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। होती है चांदनी रात, देता है हर
ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, मैंने आज आपको अपनी झुमकी नहीं दिखाई। देखिए, इसमें एक स्पेशल बात है, ये मैंने खुद बनाई है। देखिए, एक्चुअली ये राखी है जो फीमेल राखी होती है, मतलब जो भाभियों को बांधी जाती है, जैसे भाई और भाभी को भी बांधते हैं ना राखी, तो ये मतलब फीमेल्स के लिए राखी है। ये ऐसे हाथ में बंधी रहती है, तो मैंने इसको झुमकी बना दिया है। ये मेरी सिस्टर लॉ ने भिजवाई थी, दो थी, तो मैंने इसको झुमकी बना दिया। देखिए कितनी प्यारी झुमकी है, देख सकते हैं आप, ये मेरा अपना DIY है। तो बताइएगा मेरी झुमकी कैसी लगी और मेरा सॉन्ग कैसा लगा। तो फिर हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, शब खैर, अल्लावरुडेकुम, अल्लावरुडे, अल्लावरुडेकुम, अंडे आशम सगल, बाय बाय, टेक केयर।